एंड वेलकम। मेरा नाम है प्रांशु और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांडास लाइब्रेरी के बारे में। सो क्या आपको पता है कि पांडास लाइब्रेरी को लाइब्रेरी की नज़र से ना देख के क्यों ना हम उसे डेटा स्ट्रक्चर की नज़र से देखें, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इन सब की बात करेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी लंबी है, ठीक है, काफ़ी लंबी सा वीडियो बनाएंगे हम, पांडास को डीप इन समझेंगे, बहुत ही डीप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ नोट्स में, ठीक है। हम कवर करेंगे इसमें, सबसे पहले कवर करेंगे कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, पांडास है क्या, क्या क्या इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा तरीका अच्छा रहेगा, आइडली यूज़ करें, पाइचान यूज़ करें, एनाकोंडा यूज़ करें, VS यूज़ करें, जो आपको अच्छा, VS कोड, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पांडास में क्या क्या चीज़ होती है, जैसे सीरीज, पांडास सीरीज के बारे में, पांडास डेटा फ्रेम्स के बारे में, और इसके बाद बात करेंगे कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे CSV फाइल को, XML फाइल को या किसी अदर फाइल को, और इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम निकालेंगे डेटा को, डेटा इंपॉर्टेंट, जैसे कि डेटा नॉलेज। बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, डेटा लाया हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, अब हम जानना चाहते हैं एवरेज कितना है, या फिर मिसिंग वैल्यूज़ को सॉल्व करना, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मिसिंग वैल्यूज़ को सॉल्व करना, डुप्लीकेट डेटा को हटाना, किसी कैटेगोरियल डेटा है तो उसको सॉल्व करना, ये सारे स्टेप क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन लर्निंग में आपको डेटा बिल्कुल रिफाइन करके भेजना है, और इसलिए हम बात करते हैं पांडास लाइब्रेरी को। लेकिन क्या पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए होता है? नहीं, मशीन लर्निंग एक उसका फील्ड है, आप टूल, ऐसा पांडास ऐसा टूल इस्तेमाल करते हो डेटा को रिफाइन करने के लिए, ताकि आप यूज़ करते हो मशीन लर्निंग में। पर इसके अलावा हम पांडास को यूज़ करते हैं हम अपने डेटा नॉलेज के लिए, ठीक है, ऐसा समझेंगे कि हम डेटा है हमारे पास के बारे में जानना, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज दैट हमारे पास डेटा है स्टूडेंट्स एंड का उसका और फील्ड्स का, ओके, मार्क्स का, सो फाइंड आउट करना है कि एवरेज मार्क्स क्या है, या टोटल सम कितना है, या कोई मार्क्स मिसिंग है तो वहाँ क्या फिट कर सकते हैं, मिसिंग है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इन सारी चीज़ें डेटा हैंडलिंग को पूरा हैंडलिंग करते हैं पांडास में। ऐसे एक और एक लाइब्रेरी होती है जिसे बोलते हैं NumPy, और NumPy मैट्रिक्स मैनिपुलेशन टूल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये NumPy पांडास से अलग होती है, और होपफुली उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल ये नहीं, शर्त है, और शर्त ये सिंपल है कि आपको कुछ लाइक्स इस वीडियो पर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, डील है, कर लेते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले पांडास की, और मेरे पास है पांडास का नोट्स, पांडास में डेटा मैनिपुलेशन के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो पांडास लाइब्रेरी एक्चुअली पाइथन की लाइब्रेरी है, जो डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए काम की जाती है। इसमें बेसिकली टूल्स जो यूज़ होते हैं उसको नोट कर लेते हैं, आप नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, मेरे जैसे नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है, नहीं बनाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। ढेर सारे फंक्शन जो हम पढ़ेंगे और वो फंक्शन आप याद नहीं रख पाओगे, और आपको इंटरनेट पर बहुत ही रियली मिलेंगे, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि आप कॉपी किताब ले लो और नोट करना स्टार्ट कर दो, फंक्शंस याद नहीं रख सकते, नोट करना ज़रूरी है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, आखिर पांडास का यूज़ क्यों करते हैं, बड़ा अच्छा सिंबल है, पाइथन लाइब्रेरी है आपकी पांडास, ओके, बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, कटवा देना पड़ेगा, ओके, कोई लोग शिकायत मत करना, ठीक है। सो पांडास लाइब्रेरी का बेसिकली यूज़ क्या है, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा हैंडलिंग में, ठीक है। तो इसका क्या क्या होता है, आप डेटा कहीं से लाओगे, स्टोर करोगे, तो एक्सट्रैक्ट करने में भी कभी कभी यूज़ करता है, ठीक है, आपके पास डेटा है CSV फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में, तो इसको लोड करना, आप डेटा एनालिसिस करते हो, ठीक है, कुछ आउटपुट आप बताओगे एनालिसिस करके कि भाई ये आपका काम होता है, डेटा एनालिसिस होता है, डेटा क्लीनिंग करते हो, क्यों क्लीनिंग करते हो, क्योंकि कई बार आपके पास रिडंडेंट डेटा आ गया है, कोई फील्ड आ गई, एक्स्ट्रा आ गई जो यूज़फुल नहीं है, तो उसको हटाना है, या फिर ऐसी फील्ड है जो यूज़फुल नहीं, सपोज आपको मशीन लर्निंग के लिए ट्रेन करना है, और डेटा के यूज़र्स के नेम है जो कि यूज़ नहीं होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है, ओके। तीसरी बात करते हैं क्लीनिंग कर लिया, एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, आपको जानना है कि आखिर मैक्सिमम नंबर ऑफ समथिंग कितने हैं, मार्क्स कितने आए हैं, 99 कितने लोगों के आए हैं, मैक्सिमम कितने आए हैं, मिनिमम कितने आए हैं, सेटअप करना, ग्रुप्स करना, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक्सप्लोरिंग में, और लास्ट में मैनिपुलेशन में, आप सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं कर सकते, आप राइट भी कर सकते हो,
ठीक है। तो 15 फरवरी की ये बेसिकली इतने सारे काम होते हैं, ठीक है। ओके, पांडास लाइब्रेरी का जो मतलब है उसका मतलब है पैनल डेटा, इसका सीधा सा मतलब है डेटा एनालिसिस, जो कि मैट केनी ने बनाई थी 2008 में। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, आप मैं ध्यान नहीं, ठीक है। ओके, तो पांडास का बेसिकली इन सब में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि ये पहला स्टेप हो गया, पांडास को यूज कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि हम पांडास को एज अ लाइब्रेरी नहीं ट्रीट करेंगे, ऑल्दो ये लाइब्रेरी ही है, बट हम क्यों ना इसको एज अ डेटा स्ट्रक्चर देखें। डेटा स्ट्रक्चर देने का मतलब ये है कि जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लिस्ट टपल वगैरह, वैसे इसका मतलब क्या है कि आप जैसे लिस्ट में क्या होता है, 1D लिस्ट होती है या 2D लिस्ट होती है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, रोज एंड कॉलम्स के लिए फॉर्म में करने के लिए, और सारी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, इसमें बहुत कम फंक्शनैलिटी होती है ना, ढेर सारी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमने जो टूल बनाया जिस पर हमने काम किया वो है पांडास। तो आप ये चीज़ वहाँ से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि एक लिस्ट की तरह ही होता है, एक तरह 2D लिस्टिंग या सिंगल लिस्टिंग की भी बात कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी डेटा, कैसे कैसे डेटा होते हैं, ठीक है। ओके, तो पांडास के डेटा टाइप देख लेते हैं, मतलब टाइप, ओके, किस तरह के डेटा आप रखते हो, ठीक है। तो डेटा टाइप जो ये हैंडल करेगा, आपका 1D डेटा हैंडल करेगा, ठीक है। 1D डेटा यानी कि सिंगल रो में, इसको हम बोलते हैं सीरीज, करेक्ट। 2D डेटा को क्या बोलते हैं हम, जो रोज एंड कॉलम फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं डेटा फ्रेम्स, क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम्स। और 3D डेटा जो होता है, जो कि 3D या उससे ज़्यादा डी का डेटा है, यानी कि डायमेंशन का डेटा है, उसको हम बोलते हैं पैनल, ठीक है। पैनल पे बेसिकली कम काम होता है, बेसिकली इसका ज़्यादा से ज़्यादा काम डेटा फ्रेम्स पे होता है या फिर सीरीज पे होता है। सीरीज पे भी थोड़ा सा काम होता है, क्योंकि सीरीज के टाइम पे हम नंपाई यूज़ कर लेते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ बहुत ही डिफाइनली चीज़ बताता हूँ, ठीक है, वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, ठीक है। पांडास म्यूटेबल डेटा टाइप है, हाँ, पांडास म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्यों, लिस्ट म्यूटेबल है और आपका डिक्शनरी म्यूटेबल है, राइट, और आपका पांडास भी म्यूटेबल है, बाकी सारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रूफ होता है, आप इसमें एक डेटा सेट में ही चेंज कर सकते हो और आपका डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं तो आप प्रूफ करके देख लो, ठीक है। आप एक सिंपल डेटा लो, बनाओ सीरीज बनाओ और उसमें चेंज करके देख लो, अगर आपका मेमोरी लोकेशन चेंज होता है सो आपका वो म्यूटेबल टाइप नहीं, अगर नहीं चेंज होता तो म्यूटेबल टाइप है, दैट्स इट। ओके, ग्रेट। तो कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं पांडास सीरीज से बारे में, लेकिन उससे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, ग्रेट। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप कई तरीके से कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो, पहली चीज़ तो आप इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू एनाकोंडा कर सकते हो, जो कि कई लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप पाईचार्म कर सकते हो, तीसरा VS Code के थ्रू कर सकते हो, चौथा आइडियली के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आइडियली के थ्रू करने वाला हूँ। एनाकोंडा आई हेट इट, डेफिनेटली हेट इट, का रीज़न है, मैं रीज़न से बता देता हूँ, देन आप मुझे सबकी नज़र देखो। मुझे एनाकोंडा इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि एनाकोंडा बहुत भारी होता है और इंस्टॉलेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है एनाकोंडा लाइब्रेरी का। अच्छा क्यों है, प्रोस क्या है उसके, कि आपकी ढेर सारी लाइब्रेरीज एसकेलन, ठीक है, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉट ऑलरेडी बिल्ट इन मिलती हैं। कॉन्स क्या हैं, बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर होता है, बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट आप बना रहे हो आपके लिए बेहतरीन है, जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो, स्काडा नोटबुक यूज़ कर सकते हो, नोटबुक मिलती हैं, एडिटर्स मिलते हैं बिल्ट इन, अच्छा है। पर अगर आप छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो पांडास का, नंपाई का, या नॉर्मल डेटा हैंडलिंग कर रहे हो, देन आई डोंट प्रिफर इट। ओके, सो मैं आइडियली पे ही जा रहा हूँ, मुझे आइडियली पसंद है और आइडियली में ही करेंगे, क्योंकि हम पांडास लाइब्रेरी की बेसिक देखेंगे, ठीक है। सो आप चाहो तो एनाकोंडा में जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हो और वहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहेगा, अगर आप एनाकोंडा में नहीं हो, एनाकोंडा में प्रीडिफाइन मिलता है, तो अगर आप एनाकोंडा से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, वीडियो को हमें स्किप करना, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, ठीक है। ओके, सो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, नॉर्मल जैसे लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार पाइथन टाइप करके वर्जन चेक कर लेते हैं इसका, वर्जन वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, वर्जन है मेरा 3.9.2, आई थिंक ये लेटेस्ट है, तो और पांडास कमांड रन कर रहा है, हो सकता है आप
विंडोज 10 चला रहे हो तो पावर शेल में एक बार ट्राई कर सकते हैं पाइथन कमांड रन करा के, अगर रन कर रहा है इट मीन्स इट इज गुड, वी आर रेडी टू गो, ठीक है ओके। तो अगर आपका पाइथन कमांड रन कर गया है, अगर नहीं रन करता है, एरर आती है और आपका विंडोज 10 नहीं है, शेल में भी एरर आती है, तो एक बार इसका पाथ चेक कर लीजिए, हो सकता है पाथ में दिक्कत हो, ठीक है। तो पाथ चेक कर लीजिए और इंस्टॉलेशन ट्राई कर लीजिए, या फिर भी देख लीजिएगा कि एक साथ कई सारे पाइथन ना पड़े हों, ठीक है। कई बार कई पाइथन होने में इंस्टॉलेशन किसी और में कर रहे हैं और एनाकोंडा होने डाले में ऐसा होता है, इंस्टॉलेशन कहीं और कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन कहीं और जा रहा है, दे ढूंढ कहीं और रहे हैं, ठीक है ओके। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास, सिंपल। और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इस चीज़ के लिए, मेरे में आई थिंक ओके इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, देख सकते हैं साहब, इंटरनेट कनेक्शन करना ज़रूरी है। तो इंटरनेट वापस आ गया, ठीक है, फाइनली मैंने कनेक्शन कर लिया है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ऐसे रीट्राइंग करेगा और आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो फिर से रन कराते हैं इसको, सक्सेसफुली ट्राई करेंगे इंस्टॉल करने का। आपको इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नहीं काम करना है, आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। तो लेट मी पॉज एंड जब तक इंस्टॉल होता है, ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, एक फोल्डर बना लीजिए आराम से, एक छोटा सा फोल्डर कहीं भी आप बना सकते हो, पांडास नाम से, जिस नाम से आप कमेंट करें। और यहाँ पे हम करेंगे अपना नॉर्मल एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आइडियली में ओपन करना है एनाकोंडा में, आपको जुपिटर नोटबुक में सब मिलेगा, तो आपको सब बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आइडियली में करना चाहते हो, लाइट वेट में करना चाहते हो, तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है ओके। सो लेट्स मेक, या फिर इसका नाम रख लेते हैं सीरीज, ओके। तो हम इसमें सीरीज डॉट पाई के बारे में जानेंगे, ओके ग्रेट, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं डेली में, ठीक है, और वेट करते हैं, हमारा पांडास इंस्टॉल हो चुका होगा आई थिंक। अगर आप पांडास इंस्टॉल करोगे तो आपका नंपाई बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो आपको पांडास इंस्टॉल करना होगा, नंपाई आपका मैन्युअली डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये केस हो चुका है, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको सीरीज में करना चाहें तो करिए। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको रन कराता हूँ, मैं नया फोल्डर नहीं बनाऊँगा, ठीक है, आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली आइडियली ओपन करूँगा, ठीक है, क्यों आइडियली में आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि आइडियली में सेव नहीं कर सकते, शेल में सेव नहीं कर सकते, इसलिए आप ये काम सीरीज में करो, ठीक है, या फिर जैसे भी आपका मन करे कर सकते हो, ठीक है ओके। तो अगर इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है, जो कि हो गया है, तो चेक करते हैं इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बाय इम्पोर्टिंग पांडास एज सीरी, ठीक है, आप किसी भी नाम से कर सकते हो, पीडी प्रिफर्ड है, ठीक है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, अगर आपने कुछ और यूज़ किया तो लोग ही की नज़र से देखते हैं, ठीक है ओके। सो पांडास में इंस्टॉल हो चुके हैं, हम रेडी टू गो हैं, और हम बात करेंगे सीरीज की। सीरीज जैसा कि मैंने बताया, पांडा सीरीज क्या होती है, पांडा सीरीज इन सेंस 1D डेटा की बात कर रहा हूँ, तो उसको बनाते हैं। सिंपल है, आपको क्या करना है, एक नॉर्मल एरे ले लीजिए, लिस्ट ले लीजिए, ठीक है, और इसको सीरीज में, इसका टर्म क्या होता है, DT ले लेते हैं डेटा टाइप, ठीक है, डेटा के लिए DT ले लेते हैं, कई लोग मोस्टली यूज़ करते हैं DT, डेटा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं DT यूज़ करता हूँ, ठीक है, वेरिएबल नेम आप जो भी ले सकते हो, जो भी चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। सो pd.series का S कैपिटल, एक्चुअली pd.series, सीरीज, और जैसे ही आप ए पास करोगे आपका वो pd सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो DT चेक करते हैं, आ गया, अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे 1D होने के साथ साथ इसमें इंडेक्सिंग जो है आपकी बाय डिफॉल्ट मिली है, यही पांडास की खूबी है। इसके अलावा डेटा टाइप आप भी आपको बता रहा है, इंटीजर 64 इसका डेटा टाइप है, ओके करेक्ट है, गुड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका टाइप चेक कर लेते हैं, हम मुझे भरोसा नहीं है ये पांडास की लाइब्रेरी, पांडास का ही सीरीज है, तो ये है क्या, चेक कर लेते हैं डेटा टाइप, DD के नाम से टाइप चेक करते हैं नॉर्मली, pandas.core.series.series, विच मीन्स पांडास लाइब्रेरीज की सीरीज है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी डायरेक्टरी ओपन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं मैन्युअली जैसे करता हूँ, मैं वैसे ही करना पसंद करता हूँ, मैं इसे डेटा टाइप की तरह देखता हूँ और डेटा स्ट्रक्चर की तरह देखता हूँ, और उसी तरह ही इसको हम मूव करते हैं। तो आपको सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, ये देखिए स्क्वीज कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है, तो हमने स्क्वीज आउट किया है, और आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन भर गई है, ढेर सारे इतने सारे फंक्शन आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको यहाँ से फंक्शन देखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे मैन्युअली, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप कितनी यहाँ तक आपके पास कितने ढेर सारे फंक्शन, आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनके सारे फंक्शन खोल सकते पढ़ सकते हो, ठीक है,
यही खूबी है आइडली में चलाने की। आपको ये शेल में मिल जाएगा, आपको ये जुपिटर नोटबुक में मिलेगा, पर ये कमांड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट तरीका है ये स्क्रैप करना है, बेसिक से पढ़ना, इसे कहते हैं कि आप एक एक चीज़ जाके डायरेक्टरी ओपन करके पढ़ रहे हो। किसी के बारे में पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं एग्रीगेट के बारे में, AGG। ओके ओके आते हैं dd.agg._dos_ अगर हमने पुराने वीडियोस देखे ना, तो ये मेरा बेसिक तरीका है किसी भी चीज़ को करने का। सो आपको सामने ये अच्छा सा आ रहा है, काफ़ी भर रहा है, आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो। तो ये ऊपर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन से, यानी कि ढेर सारे फंक्शन से, जो हम एक एक करके देखेंगे, और उसके बाद हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन निकाला है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन निकालते हैं, ठीक है, प्रिंट करके निकालते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रैंडम आ जाएगा और आपको पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे क्लिक करना था एंड या तो आप स्क्वीज कर सकते हो, इसको आप राइट क्लिक कर सकते हो और व्यू कर सकते हो, ठीक। आप अगर व्यू करोगे राइट क्लिक करके तो एक अलग विंडो में देगा, जो कि अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा आइडली में ये भी इशू है, लेंथी डेटा आता है, समझ में नहीं आता। पढ़ते हैं एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। पैरामीटर्स क्या जाएंगे, फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी। फंक्शन इज यूज फॉर एग्रीगेटिंग द डेटा। इफ द फंक्शन मस्ट आइदर वर्क व्हेन पास्ड अ सीरीज और व्हेन पास्ड अ टू सीरीज, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे तो, ठीक है, आपको नहीं आया होगा। नीचे आते हैं, हमने PTPT सीरीज बनाई 1 2 3 4 4, हमने नहीं बनाई, ये एग्जांपल है, ठीक है। और इसके ऊपर एग्रीगेट मिनिमम लगा है, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन होता है मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, इस तरह के ढेर सारे फंक्शन निकालने का बताता हूँ। मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, मीन, इस तरह के ढेर सारे फंक्शन को आप निकालना चाहते हो तो आप एग्रीगेट को यूज़ करते हो, एग्रीगेट फंक्शन को। तो ऐसे आपने इसे मिनिमम यूज़ किया तो आपको मिनिमम बता देगा, आपने मिनिमम कॉमा मैक्सिमम एक साथ ढेर सारे निकालने की कोशिश की तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिया ऐसा डेटा फ्रेम, ठीक है। ये डेटा फ्रेम के तौर पे आपको एज अ सीरीज निकाल के दिया, ठीक है, ओके। आउटपुट जो है, आउटपुट की बात कर रहा है, तो ऐसे आप ढेर सारे पास कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, इतना सारा ढेर सारा आपने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ एग्जांपल से समझ लिया। तो करके देखते हैं, dt.aggregate.agg टैप प्रेस करेंगे, आ जाना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट आ जाता है। एग्रीगेट फंक्शन भी है, कई कई बार एक एक में कई बार फंक्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन लिखते हैं, मिनिमम लिखते हैं, सपोज है हमें मीन निकालना है, तो मीन क्या है, 1 है, हमारा डीटी करीब ये था, ठीक है। मैक्स सम निकाल देते हैं, ठीक। अगर आप ध्यान दो, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है मिनिमम, सम, मैक्सिमम, ये बिल्ट इन फंक्शन हैं, ओके, ये बिल्ट इन फंक्शन है। बहुत बहुत अटेंशन पे करेंगे तब समझ में आएगा ये चीज़। एक मिनट तो जला दिया था मुझे, ठीक है। तो सम आपका सम दिया, ठीक है। मैं एक सिंपल फंक्शन यूज़ करके दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं सीरीज में जाएंगे जब, ठीक है। तो मैं इसमें से सिर्फ एक फंक्शन आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि डॉस कैसे पढ़ सकते हैं और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फंक्शन होता था आपका, लेंथ होता था, तो लेंथ ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। आपका 6 लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ 6 है, सम है, मीन है, मैक्स है, ठीक है। सो बेसिकली एग्रीगेट को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आप किसी फंक्शन को एग्रीगेट इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करो, या फिर आप इनकी लिस्ट बना सकते हो ऑन मैनुअली और एक एक करके टेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में ढेर सा पढ़ सकते हो, या फिर आप इस जो में स्टे रह सकते हो और धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं, ओके। तो हमने मीन निकाल लिया, मैक्सिमम निकालना सीख गए हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको, हमारे पास डीडी है, इसको निकालना। तो आप देख सकते हो कि साइड में इंडेक्स दिए हुए हैं, इंडेक्स हम सीरीज का कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं जैसे लिस्ट में यूज होती है, नहीं, नेगेटिव इंडेक्स यूज नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपकी जो इंडेक्सिंग होती है 0-2 वो नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। दैट्स वाई आप -1 -2 नहीं यूज कर सकते, स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, हाँ स्लाइसिंग यूज होती है, आई थिंक स्लाइसिंग यूज करती है, देख लेते हैं 0-2, ठीक है, स्लाइसिंग यूज होती है, प्रॉपरली स्लाइसिंग होती है, बट नेगेटिव स्लाइसिंग नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं है, यहाँ पे आपको इंडेक्सेस पास करते हैं जो गिवन है, ठीक है। सो ऐसे आप, और कमाल की बात है, इनमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर टाइप का डेटा लेंगे, जरूरी नहीं कि ये आपका जो डेटा है ये इंटीजर ही हो, आपका किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, ठीक है। एक तरह से लिस्ट ही है बट मॉडिफाइड है, आप लिस्ट में आपको एग्रीगेट नहीं मिलता था ना, इसमें एग्रीगेट मिलता है, बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, तो ये फायदा है पांडास का सीरीज का, ठीक है, ओके। सो आप आ चुके हो, इंडेक्स देख चुके हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि
पांडास म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, प्रूफ करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। ओके ओके, सो म्यूटेबल का फंडा क्या है कि कोई भी किसी भी एक इंडेक्स वैल्यू पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैं जीरो पे वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, पॉसिबल? इसका मतलब ये क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है, चेंज हो गया ना, सेम चेंज कर सकते हैं, यही लिस्ट में था, यही तरीका था, इसलिए ये भी क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल नहीं है। नम पाई आपका इम्यूटेबल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चीज़ इंटरव्यू में शायद आ सकता है क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू अच्छा आता होगा तो डीप इन आता होगा, जैसे कि आपको और मुझे आ गया, ठीक है। सो मैंने कहा था इसको डेटा स्ट्रक्चर की नज़र से देखना चाहिए, ठीक है, ओके वेट। सो पांडास हमने देख लिया म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, एक और प्रूफ करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, ओके। हम डीटी लेते हैं, इसका आईडी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आईडी से हम देखते हैं ना म्यूटेबल इम्यूटेबल, अगर मेन डेटा उसमें चेंज हो गया तो म्यूटेबल, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अगर आपने आपको नहीं पता कि म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो आप पाइथन के कोर्स में मेमोरी मैनेजमेंट का कोर्स देख सकते हो, ठीक है, ओके। सो आईडी निकालते हैं, आ गई आईडी, ओके। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे वैल्यूज को चेंज करते हैं, किसी एक इंडेक्स पे, गिवन इंडेक्स पे वैल्यूज को चेंज करते हैं। 45 आईडी पे चेक करते हैं, होपफुली आई एम श्योर कि चेंज हो गया है क्या। अगर मेमोरी लोकेशन चेंज हुई तो ये क्या है, इम्यूटेबल है, अगर नहीं हुई तो म्यूटेबल है। मेमोरी लोकेशन चेंज हुई नहीं तो ये क्या है, म्यूटेबल है। एक और प्रूफ, तो दो तरीके से हमने प्रूफ किया कि ये हमारा पांडास लाइब्रेरी एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, जब मैंने फाइंड आउट किया था ना माइंड ब्लो हो गया था मेरा, ठीक है, ओके। सो अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा कीज और वैल्यूज के फॉर्म में सीरीज बनाते हैं, 1D वो भी रहेगी आपकी, कीज एंड वैल्यूज के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। सो डीपी लेते हैं, आपको आप सिंपल एक काम करते हैं, एक जैसे हमने लिस्ट लिया था एंड उसको साइन किया था सीरीज में, अब हम क्या करेंगे, एक ट्राई करते हैं एक डिक्शनरी लेने का, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डिक्शनरी डी, ठीक है, एंड ये डिक्शनरी में आप तो पता ही है आपको ब्रैकेट लेने हैं, आप अपने नेम ले लिए, ठीक है, डिक्शनरी है तो एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा एक ही करिए, क्योंकि मल्टीपल के केस में आपको डेटा फ्रेम की तरफ जाना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल डेटा रखते हो, ठीक है, वो भी देखेंगे डेटा फ्रेम से देखेंगे, 2D हो जाएगा ना आपका अगर मल्टीपल डेटा होगा ना, नेम तीन चार नेम कॉलम से समथिंग मार्क्स फिर तीन चार, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेटा फ्रेम हो जाएगा, टेबल के फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी सीरीज है, 1D पढ़ रहे हैं तो 1D रखते हैं, नेम अच्छा करके, ठीक है, एक एक बार एक, ठीक है, ओके। नेम है ABC, क्लास है 10th, मेरी नहीं है, मैं तो हाई क्लास में होता हूँ, ओके। मार्क्स देख लेते हैं, मार्क्स है 123, ओके, इसको सीरीज बनाते हैं, तो DT इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज का S कैपिटल, डेटा फ्रेम जब बनाएंगे तो D कैपिटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेट्स कन्वर्ट इट, DT ट्राई करते हैं, आ गया आपका, आपका आपके इंडेक्स क्या हो गए, नेम, पहले इंडेक्स क्या थे, जब हमने डायरेक्टली लिस्ट पास की थी तो 0, 1, 2, 3 को इंडेक्सिंग ही आपको इंडेक्स दे दिया था, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, सीरीज में इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दूँ। सो ये चीज़ अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मतलब डेटा हैंडलिंग बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है इन सब में, ठीक है। तो टाइप DD कर लेते हैं, ठीक, कोर पाइथन सीरीज मैंने फाइंड आउट कर लिया, सीरीज ही बनाई थी, सीरीज आ गई, ठीक है। तो ये तरीका है, अगेन आपको निकालना कैसे पता है, डिलीट कैसे करना है, सिंपली आप उसको रिमूव कर दो, आई थिंक, ठीक है, तरीका होता है डिलीट करने का, देखेंगे, ओके। डेटा अब हम बात करते हैं, तो हमने देख लिया सीरीज के बारे में, हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो डेटा फ्रेम के लिए आपको करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अब क्या करेंगे, एक फील्ड एक कॉलम ढेर सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में, दूसरा कॉलम ढेर सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो जितनी रोज रखेंगे, मतलब जितने एक में रखेंगे सब में बराबर रखेंगे, ठीक है, ABC CDE 3 ले लेते हैं, XYZ क्लास ले लेते हैं 3, ठीक है, ओके, 10, 12, 11,
मार्क्स ले लेते हैं, कुछ भी रैंडमली ले सकते हैं मार्क्स। 123, 12, कुछ भी रैंडम, ठीक है। ओके गुड, अब इसको कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो, बस यहाँ का जो डेटा टाइप है आपका, देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे देखिए, अगर डेटा टाइप क्या है, डी टाइप क्या, मतलब डेटा टाइप क्या है, इंटीजर INT 64। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों, देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। INT 64 का मतलब क्या है, सारे इंटीजर हैं और जो मैक्सिमम होता है ना उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उनमें से कोई एक है जो स्ट्रिंग टाइप का है, दैट्स वाई सबको वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, इंटीजर में रखा, फ्लोट में नहीं रखा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट है। अभी डेटा टाइप के मैं बात करेंगे इसमें, ठीक है। इस ये पांडास ना अपने खुद के डेटा टाइप रखता है, ठीक है, तो आपको मिलेगा ऐसे लाइक INT 32, INT 64, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फ्लोट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो सीरीज नहीं बनाना है हमें, ठीक है, हमें क्या बनाना है, डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बनाने का तरीका क्या है, आपको सिंपल डेटा फ्रेम लिखना है, ठीक है। आप अब देखिए आपको कैसे मिला, ये 0123, 012 क्या है, इंडेक्स है, नेम क्या है, ABC, क्लास क्या है, 10, 11, 12, ठीक, मार्क्स क्या है ये, हाँ मैं कह रहा था इसको क्या हम सीरीज बना सकते हैं, तो देख लेते हैं, इसको सीरीज बना के भी देख लेते हैं, लेकिन क्या होगा आउटपुट, क्योंकि तब क्या होगा ना कि नेम के अंदर जितने भी आपने लिखे ना वो एक उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, समझ सकते हो आप इजीली। ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आपकी लिस्ट जो है ऑब्जेक्ट ऐसा ट्रीट होगी, एक्चुअली मोस्टली चीज़ें ऑब्जेक्ट, अगर आपका कोई भी एक टाइप आपका स्ट्रिंग निकलता है ना तो ऑब्जेक्ट ही बन जाता है, ठीक, उसके बाद आप लिस्ट यूज करो, टपल यूज करो, नहीं फर्क पड़ता, ये लिस्ट, ठीक है, इसका टाइप क्या है, लिस्ट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, मतलब एक डेटा था, यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, इसीलिए डेटा फ्रेम्स थोड़ा सा, डेटा फ्रेम्स ईजी है ना हैंडल करना, ठीक है, इसके रीज़न है क्यों हैंडल है, देखो DT में ना, ठीक, आगे काम करते हैं। आपको DT जैसे बहुत बड़ा डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, आपको शुरुआत के 5 देते हैं, तो आप यूज़ करो DT.tag, 3 आएंगे क्योंकि हमारे पास 3 है, 5 दिखाता है, आप 5 भी कर सकते हो, जितना डेटा आप देखना चाहते हो, स्टार्टिंग 2 देखना चाहते हो, ऐसे होता है DT.tail, ठीक है, टेल में का लास्ट के आपको डेटा दिखेंगे, तो आप हमारे 2 पास करेंगे तो आपको लास्ट के दिखेंगे, अगर ध्यान दो तो आपका 1 और 2 दिखाई देगा, 0 1 2 में 1 2, ठीक, 1 2 और ऊपर 0 1 हेड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 5 होता है, बहुत बड़ा डेटा लॉग ना तब ऐसे हैंडल करना, ठीक है, ओके ग्रेट, ओके ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और बारे में, ठीक है, तो ये हमने डेटा ले लिया, अब इसके डेटा हमें आ गया, समझ में आ गया कैसे डेटा लाना है, ओके अब आते हैं थोड़े से फंक्शंस पे, ठीक है, ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी CSV फाइल या इसको फाइल को कैसे लोड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम उसमें करेंगे अपनी फाइल को, ठीक है, ओके न्यू करते हैं, टेक्स्ट फाइल लेते हैं, आप नहीं कर सकते तो आप CSV फाइल को डाउनलोड कर लो, ठीक है, data.csv, ठीक है, CSV फाइल क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, राइट, ओके ग्रेट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं नेम कॉमा यू नो रोज, पहली आपके नेम हो गया, मार्क्स हो गया और रोल नंबर हो गया, ये 3 फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, नेम हो गया ABC, ठीक है, मार्क्स हो गया 123 और रोल नंबर हो गया 1, डेटा हो गया XYZ। लोड कैसे करते हैं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैन्युअली बना रहा हूँ, ठीक है, आपको डेटा जब आएगा तो आपको या तो दिया होगा या फिर आप डाउनलोड करोगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, तो थोड़ा सा यू नो करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है, डेटा सेव कर लेते हैं, अब इसमें हमारा डेटा हो गया, ठीक है, हम सीरीज को ओपन करते हैं, ठीक है, ओके तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम अब हम एक्चुअली फाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है, पांडास एस PD, हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, तो डेटा इक्वल्स टू कैसे लोड करेंगे, आपका PD.csv है तो रीड CSV, XML होगी तो रीड XML, ठीक, CSV, ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम पास करोगे, फाइल का नाम क्या है, हमारा data.csv, ठीक, data.csv,
आप इसको VS में भी कर सकते हो आपका मन, ठीक है। ओके, लेट्स प्रिंट आउट अवर डेटा, ठीक है। तो डेटा डॉट हेड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट बढ़िया नहीं है, तो डेटा डॉट हेड यूज़ कर लेते हैं। इसको रन कराते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये आपका डेटा आ गया, आ गया। तो ऐसे आप लोड करते हो, ठीक है। ओके, इसी में आप काम करते हैं आगे। डेटा हेड प्रिंट कर लिया, हेड प्रिंट करना आ गया, और आपको टेल प्रिंट करना आ गया। चलिए इस डेटा को लोड करते हैं आपके शेल में, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको रखते हैं, ठीक है, उसको सेव करके रखते हैं, सेव कर लेते हैं, लोड कर देते हैं। आपको बस यहाँ का पाथ पता होना चाहिए, तो आपको इस पाथ को पूरा लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी कभी लोड करने में। डेटा इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि शेल आपका सी ड्राइव से कहीं से ओपन होता है, ठीक है। तो लेट्स गिव द पाथ, एंड फाइल का नाम है डेटा डॉट सीएसवी। देखते हैं ये फाइंड आउट कर पाता है या नहीं कर पाता है। ओके, यूनिकोड बाइकोड, ओके, आई थिंक इस सही से यूज नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ता है, इसलिए भूल गया हूँ कैसे इसको किसी फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेम फाइल में ओपन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, शेल में ओपन करने में थोड़ा सा दिक्कत है, हो गया लोड, ठीक है। ओके, डेटा करते हैं, डेटा डायरेक्ट करते हैं, मारते हैं, ठीक है। ओके, आपको जानना है कि आखिर इसका शेप क्या है, आखिर कितने बड़ी है, कितने कॉलम में कितने रोज हैं। तीन कॉलम तीन रोज है, पहले रोज हैं तीन एंड देन कॉलम, ओके गुड। अच्छा चलिए ठीक है, इसके कॉलम्स के नेम निकाल लेते हैं। नेम मार्क्स नंबर टाइप, सारे इंटीजर टाइप के ना, सॉरी स्ट्रिंग टाइप के ना, दैट्स व्हाई डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, डेटा टाइप निकाल लेते हैं ना, डेटा डॉट डी टाइप, फंक्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे दोनों फंक्शन नहीं है, ठीक है। शेप और कॉलम आप डायरेक्टली ऐसे यूज करते हो, हाँ। तो नेम का क्या है, ऑब्जेक्ट, मार्क्स क्या है, इंटीजर 64, रोल नंबर क्या है, इंटीजर 64। ओवरऑल डेटा टाइप क्या है, फील्ड का ऑब्जेक्ट, इजी। सपोज दैट आपको इस डेटा को आपको मशीन लर्निंग भेजना, तो आप क्या करोगे, तो आपको जो नेम है ना, इनको ना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इंटीजर फॉर्म न्यूमेरिक, ठीक है। ओके, तो डेटा हेड पढ़ लिया, डेटा टेल पढ़ लिया, शेप निकालना सीख लिया, कॉलम निकालना सीख लिया, और टाइप भी सीख लिया। इसके अलावा हमने सीखा कैसे हम रीड करते हैं सीएसवी फाइल को, इसके अलावा हमने सीखा कैसे हम बनाएंगे किसी लाइक आपका डिक्शनरी से डेटा, राइट। हमने भी सीखा, हमने सीरीजेस के बारे में सीखा और इसका यूज़ किया, तो थोड़ा बहुत डेटा हैंडलिंग सीखा, अब थोड़ा सा डीप इन जाते हैं, ठीक है। अब हमने रीड करना सीखा, अब हम लिखना जाते हैं, लिखते कहते हैं, ठीक है। तो रीड करना तो हमें आ गया, ठीक है। रीड को थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और इलाबोरेट कर ले, तो रीड सीएसवी को, तो पीडी डॉट रीड सीएसवी का पूरा सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको यहाँ पर करोगे तो आपको नीचे पूरा लिख जाएगा फाइल पाथ वगैरह, ठीक है। और चाहो तो आप इसका डॉस भी ओपन कर सकते हो, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। आपको कुछ भी करना है, आपको समझ नहीं आता, अंडरस्कोर डॉट ओपन मार दो, स्क्वीज आ गया, इसको हम साइड में किसी और उसमें ओपन कर लेते हैं, रैंज नहीं तो आप जानते हो क्या होगा, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स बेसिकली क्या क्या होते हैं, देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहला होता है फाइल पाथ और बफर, ठीक, फाइल पाथ बेसिकली फाइल पाथ। फिर होता है आपका सेपरेटर, सपोज दैट क्या होता है, कई बार आप सीएसवी फाइल ओपन कर रहे हो बट उनके बीच में सेपरेटर ना होके स्पेसेस हैं, ऐसा सेपरेशन कॉमा नहीं है, स्पेसेस हैं। XML में शायद ऐसा बेसिकली होता है, नोटपैड सपोज आप कर रहे हो, ठीक है, नोटपैड डॉट टीएक्सटी बना रहे हो इन दैट केस, ठीक है। रीड सीएसवी करोगे बस सेपरेटर आप चेंज करोगे, कई बार टेबल टैबलेट डेटा उठाते हैं तो स्लैश टी पास करते हैं, टैबलेट डेटा उठा रहे इन दैट केस, सीएसवी करेंगे, रीड सीएसवी करेंगे पर टैबलेट डेटा पास करेंगे। देन आप पास करते हो डेलिमिटर, मतलब रूल्स एलआईएसएस और फॉर सेपरेटर क्या है, नन है क्या, ठीक है, बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता इसको ज़्यादा, ठीक है। फिर आपका होता है हेडर, आपका हेडर में बेसिकली हम पास करते हैं कि आपको और मतलब पहला वाला हेडर है या नहीं, कई बार क्या होता है ना कि आपका डेटा स्टार्टिंग होता है उसमें कोई हेडर नहीं होता, मतलब जैसे कि रो कॉलम्स के नेम नहीं होते, तो इन दैट केस आपको जीरो पास करना होगा और आपको आपका हेड नहीं उठेगा, ठीक है, मतलब वो फिर वो डेटा में आ जाएगा। तो मान लीजिए आपका डेटा है कोई, ठीक, उसमें हेड नहीं, मतलब कॉलम्स के नेम नहीं,
और आप पिक कर दो, तो पहला तो बाई डिफॉल्ट ऐसा वो उठा लेगा, है ना, कॉलम्स के नेम ऐसा उठा लेगा अगर आप डायरेक्ट चेस भी रीड चेस भी करते हो ऐसे, तो आपका जो पहला होगा वो ऐसा नेम उठा लेगा, ठीक है, कॉलम नेम। इन दैट केस आपको बचने के लिए आपको जीरो पास करना होगा ये बताने के लिए कि देखो जो मेरा डेटा है पहला कॉलम है तो कॉलम नेम नहीं है। इन दैट केस यहाँ पे 012 भर देगा, ठीक है। सो जैसे ही आपके साथ ये कभी होगा ना तो आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे इसको करना है, ठीक है। फिर नेम्स हैं, कई बार ऑप्शंस होते हैं आपके पास कॉलम्स के नेम पास करने का, आप सिर्फ एक स्टैटिक नेम्स ही निकालना चाहते हो तो आप एज अंदर यू नो नेम्स इक्वल्स टू पास करेंगे इन लिस्ट के फॉर्म में कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए। ये करके ही दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, ये करके देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछली बार हमने क्या किया था, हमने सारे डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लीन अप करके नया सेल स्टार्ट कर देते हैं। तो हम नया सेल स्टार्ट कर चुके हैं और अपने डेटा को एज यूजुअल रीड कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली रीड करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब नेम्स के बारे में पढ़ने वाले, जैसे मैंने कहा था पढ़ने वाले, ठीक है, करके देखते हैं। सो बेसिकली नेम आपका क्या करता है, अभी हम सिचुएशन बताता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कॉलम नेम क्या है, नेम, मार्क्स और रोल नंबर। कैसे डिसाइड हुआ, आपका पहले रो को उसने क्या ले लिया, कॉलम नेम्स ले लिया। बट सपोज दैट एक ऐसा केस हो जब आपके पास डेटा सेट आए पर आपका जो आपका जीरोथ रो हो वो एक डेटा हो ना कि कॉलम नेम, तो इन दैट केस जब आप इसको नॉर्मली रीड करोगे ना तो आपको पहले रो को जीरोथ रो को ना एज अ कॉलम नेम ले लेगा, यानी कि एक रो आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको जो हमारा जीरोथ रो है, अगर हम कभी ऐसा केस आता है मान लीजिए हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं डेटा सेट से, कट कर लेते हैं, सपोज दैट इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास क्या है, डेटा सेट है यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड सी डी ई डेटा है, आपके पास कॉलम नेम नहीं है, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, हमारे पास कॉलम नेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब रीड करना है हमें, ठीक है, और रीड ऐसे करना है जैसे हम नॉर्मली रीड करते हैं, ठीक है, नॉर्मली रीड मैं करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। आपका जीरो थ्रो को क्या ले लिया, ऐसा कॉलम रो ले लिया जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ओके श्योर, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको नहीं चाहते, आप चाहते हो ये अभी भी जैसे ये डेटा आ रहा है वैसे ही आए, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक रो वेस्ट हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम्स को, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे नेम्स और उसमें पास करेंगे कॉलम नेम, ठीक है, तो एज अ लिस्ट जितने भी कॉलम है वो, यहाँ तीन कॉलम है, नेम फिर देन मार्क्स एंड द रोल नंबर, ठीक है, तो उसको पास कर लेते हैं, पहला है नेम, ठीक है, दूसरा है मार्क्स एंड तीसरा है आपका रोल नंबर, ठीक है, ओके। सो अब आप मिस्टेक, क्योंकि आपको ऐसा स्ट्रिंग पास करना था, रोल नंबर यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो मिस्टेक से बचेंगे, ओके, डीडी करते हैं एंड आप देख सकते हो कि जैसे हमारा ऊपर वाला था ऐसे ही ये प्रिंट हो गया है, आपका कॉलम आ गया है, ठीक है, तीन कॉलम है जैसे आपके यहाँ भी है, ठीक है, तो जीरोथ कॉलम आपका एक रो बन गया है, जीरोथ रो बन गया, सेम हो गया, और आपके कॉलम नेम जो होंगे वो आपके जो आपने आप पास किए थे वो हो गए, ठीक है। चलिए वापस कर लेते हैं इसको, ठीक है, वापस ले आते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ, मान लीजिए कि आपको रिप्लेस करना हो, ठीक है, आपके पास कॉलम्स हैं पर आपको रिप्लेस करना हो और नए नाम से रिप्लेस करना हो, तब कैसे करेंगे, सिंपल है, आपको सारे नाम पास करने हैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पेज थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है, नाम में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे, तो हम एन रख लेते हैं, मार्क्स के लिए एम रख लेते हैं, नए कॉलम नेम्स, रोल नंबर के लिए आपका रोल रख लेते हैं, आर रख लेते हैं। आपको आपको बस क्या पास करना है, आपके हेडर इक्वल्स टू जीरो, तो आपके जो कॉलम नेम्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, ये रीड चेस नेम होता है, आ गया ना, करेक्ट, फैंटास्टिक। अब हम क्या करेंगे, रीड चेस में एक छोटा सा चीज़ और बची है, वो है अगर आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ नेम और मार्क्स काउंट करना है और बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, तो पहला तरीका है कि आप इनको पूरा पूरा ऐसा डेटा सेट रीड कर लो एंड देन उसको क्रॉप करो, स्लाइस करो, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, इससे बचने का अच्छा तरीका ये है कि आप इनको रीड ही कम करो, क्योंकि मान लीजिए सपोज आपकी फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, और आप उसको पूरी पूरी एक्सट्रैक्ट करके फिर स्लाइस करो तो यू नो आप वेस्ट करो मेमोरी, कंप्लीट वेस्ट करो, तो उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना ही डेटा रीड कर सकते हो। तो इसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान होता है ये भी, ठीक है, एज यूजुअल नहीं सारी चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, रीड करना है, बस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पास करने हैं, अगर आपको पास करने हैं तो सपोज अगर आपको सिर्फ दो ही रो चाहिए हो तो, या आपको फर्स्ट
100 रोज़ चाहिए या 2000 रोज़ चाहिए, ठीक है, सपोज दैट आपका डेटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इन दैट केस आप एक ही बार में प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक बार प्रोसेस करेंगे हो सकता है आप मशीन आपकी उसको हैंडल ना कर पाए, तो आपको कम रोज चाहिए, आपको हज़ार रोज में करना है, चंक्स में करना है, तो आप उतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे दे सकते हो। फिर इसके अलावा यूज़ कॉलम का ऑप्शन होता है मेरे पास, जिसमें आप जो है पास कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए और उसका इंडेक्स पास करेंगे, तो जीरो इंडेक्स मतलब पहला कॉलम, वन इंडेक्स मतलब दूसरा कॉलम, तीन इंडेक्स यानी तीसरा कॉलम। सपोज हमको नेम और रोल नंबर चाहिए, ठीक, तो आपको कौन सा चाहिए, जीरो इंडेक्स चाहिए और वन इंडेक्स नहीं चाहिए और सेकेंड इंडेक्स चाहिए, है ना, ठीक है, उसको देखते हैं किसका आउटपुट क्या आता है। करेक्ट, दो रोज आई क्योंकि आपने नंबर ऑफ रोज दो पास की थी, यूज कॉलम में आपने नेम और नंबर का इंडेक्स पास किया, इज इट। सो इस तरह हमारा खत्म होता है करेक्टली आपका रीड सीएसवी, करेक्ट है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको राइट करना हो, जो हमने डीटी लिखा है आपको राइट करना है, तो करना कैसे करेंगे इसको, रीड तो हमने कर लिया, राइट करना, अपडेट किया, सब कुछ परफॉर्म किया, अब हम उसको राइट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है इसको करना, DT इक्वल्स टू आपको बस पास करना है टू CSV, CSV में अगर आपको स्टोर करना है तो आप CSV में लिखोगे, XML में करना तो XML, टू XML का ऑप्शन होता है आपके पास, एंड देन आप यहाँ पे पाथ पास करोगे जहाँ आपको उसको सेव करना है। सपोज मुझे उसकी फोल्डर सेव करना है, ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, डेटा वन रख लेते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इसका आप कैटी ओपन करके पढ़ सकते हो, ठीक है, डॉस ओपन करके पढ़ सकते हो, ओके, चेक करते हैं, तो आप यहाँ आपका डेटा वन सीएसवी बन चुका है, और आप देख सकते हो फिर आपके जैसे आपने लिखा था ना यहाँ पे, जैसे आपका डेटा टाइप था वैसे ही आपका यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है, तो इस तरह आप नया डेटा टाइप डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ओके, तो आप डेटा स्टोर कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इजी वे के लिए, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ओके, सेव कर देते हैं क्योंकि हमारा ये अपडेट हो चुका है, ओके, और ठीक है, हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ओके, एक नॉर्मल था, फिर से रीड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें रीड करना आ गया है और अपडेट करना भी आ गया है, ठीक है, रीड करना आ गया और आपका अपडेट करके राइट करना भी आ गया है, सो के फिर से बेसिकली आपको जो बेसिक वाला है वो रीड कर लेते हैं डेटा, ठीक है, तो डीटी कुछ आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ओके, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा नॉर्मल डेटा सेट आ गया है, अब हमें क्या करना है, दो का फंक्शन और पढ़ेंगे, सेट इंडेक्स का और रीसेट इंडेक्स का, मतलब सपोज दैट रोल नंबर को आपको ऐसा इंडेक्स की बनानी है, अभी क्या है 0-1-2 के फॉर्म में रोज, जो आपका इंडेक्स है रोज इंडेक्स, अभी आपको क्या करना है, रोल नंबर को आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसको इंडेक्स, ठीक है, रो इंडेक्स। तो करने का तरीका है बहुत ही आसान है, ठीक है, ये कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान है क्योंकि आसान है, ठीक है, ओके, तो हम सिंपल फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है सेट इंडेक्स, ठीक है, ओके, तो सेट इंडेक्स नाम पास करेंगे, जो भी आपको इंडेक्स बनाना है जिसको भी, तो हमें इंडेक्स बनाना है रोल नंबर को, ठीक है, ओके, अब दो तरीके हैं, एक तरीका है कि ये आपको रिफ्लेक्ट कर दे, जो आपको इंडेक्स बना के ये आपको कहीं सेव कर लो, रिफ्लेक्शन ले लो, या फिर आप उसी डेटा स्ट्रक्चर में चेंज कर लो, लिस्ट में होता है ना कई बार आपका जो चेंज करते हो आप चाहो तो चेंज कहीं और लिस्ट में ले सकते हो या फिर उसी लिस्ट में कर सकते हो, जैसे कि सॉर्टिंग हो गया या रिवर्स हो गया, इस सबकी बात करो, ठीक है, तो सेम यहाँ भी होता है, आपको बस यहाँ पे इन प्लेस की वैल्यू ट्रू पास करनी है अगर आप चाहते हो कि सेम आपका डेटा जो डेटा फ्रेम है उसमें ही चेंज हो जाए, ठीक है, ओके, तो डीटी में करेंगे तो आपका देख सकते हो रोल नंबर आपका वो बन गया है, अभी भी हम डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते, डीटी वन करके आप उसका नहीं निकाल सकते, ठीक है, कॉलम निकाल सकते हो, ठीक है, ओके, तो उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे कॉलम कैसे सेट कर सकते हैं आप, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये हमने सेट कर लिया, हमें रीसेट करना है, तो हम क्या करेंगे इसको रीसेट करते हैं, ठीक है, तो रीसेट करेंगे, मान लीजिए हो सकता है आप एक इंडेक्स बनाओ, किसी दूसरे को इंडेक्स बनाओ, ठीक है, तो आप इसको रीसेट कर सकते हो डायरेक्टली, तो आपका जो प्रीवियस स्टेज होगी ना सबसे लास्ट वाली स्टार्टिंग वाली उसी में आपका रीसेट हो जाएगा, इसमें भी इन प्लेस की वैल्यू आपकी होती है ट्रू करनी होगी अगर आपको सेम डेटा टाइप में चेंज करना है, डेटा फ्रेम में चेंज करना है, ठीक है, ठीक, करेक्ट, आपका प्रीवियस में आ गया, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारा बन चुका है, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कैसे फ्रेम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो
तो अगर मान लीजिए आपको कुछ फ्रेम मतलब कुछ डेटा टाइप में आपका डेटा फ्रेम है डीटी है सपोज दैट, और आपको कुछ कॉलम चूज करने हो, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आपके पास कुछ ही चूज करने हो तो हमने ये फंक्शन पढ़ते वक्त बताया था कि दूसरा ऑप्शन भी होता है। दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है कि आपको सिर्फ मान लीजिए नेम या मार्क्स चुनने हैं और आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, सपोज दैट डेटा में ले लेते हैं, आपका रिफ्लेक्शन आता है उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डी टी पास करेंगे और इसके अंदर पास करेंगे डी टी फ्रेम्स पास कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आपका नेम और आपका हो जाएगा मार्क, ठीक है, चेक कर लेते हैं, शायद एरर आ गई, दो साथ एक साथ की नहीं भेज सकते, ट्राई कर लेते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा यू नो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट ओके डेटा प्रिंट कर लेते हैं और आप देख सकते हो सिर्फ नेम और मार्क्स देते, जो भी आपको कॉलम चाहिए ना वो एक लिस्ट के फॉर्म में बना के भेज दीजिए आप डीटी के अंदर और आपको वही सेक्टर मिल जाए, ठीक है। तो ये भी एक स्लाइसिंग का तरीका है, कॉलम स्लाइसिंग का तरीका है, आप कॉलम के नेम देखे कर सकते हो, और हमने रोज वगैरह में देखी थी स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, आपका कॉलम वाइज भी कैसे कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, ठीक है, 0-1-2 पास करते हैं। ओके सो इज इट फनी, या कोई फनी नहीं, ठीक है, आसान था, हो गया। ओके डी टी पे आते हैं वापस। अब मान लीजिए हमें निकालना है, आपको सिर्फ वही वैल्यूज चूज करनी है जो सपोज 150 से ज़्यादा हैं, जिनके मार्क्स 150 से ज़्यादा हैं, इन दैट केस कैसे करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू सपोज ले लेते हैं, ठीक, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, x इक्वल टू भी ले सकते हैं। तो x इक्वल टू, बस आपको कंडीशन चेक करनी है, क्या कंडीशन चेक करनी है, कि मार्क्स जो हैं वो आपके 150 से ज़्यादा हों, तो आपके जो जो कंडीशन जहाँ जहाँ सेटिस्फाई होगी वो मार्क्स आ जाएंगे, तो आपका फॉल्स आ गया क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, बाकी जगह ट्रू आ गया। तो ये रिटर्न करता है और इसको आप थोड़ा सा ओवर करो, मतलब ये क्या करेगा, ये एक्स एक्चुअली ट्रू फॉल्स स्टोर करेगा, ठीक है, जो वैल्यूज ट्रू होंगे जिनके लिए कंडीशन मार्क्स ट्रू होगी वो स्टोर करेगा, जिसके लिए फॉल्स होगी वो स्टोर करेगा, उसके लिए फॉल्स स्टोर करेगा, ठीक है। बट सपोज दैट, तो सपोज दैट आपको सिर्फ वैल्यूज निकालनी हो, वो वैल्यूज जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे डी टी में एक्स पास कर देंगे तो आपकी वो वैल्यूज आएंगी जहाँ जहाँ आपका ट्रू पास किया था, जहाँ जहाँ, तो हमने क्या पास किया, तो इस तरह क्या कर सकते हो, आप कंडीशन पास कर सकते हो, सपोज दैट आपको, ये हमारा मेन डी टी है आई थिंक, हाँ ठीक है, मेन है हमारा। अब हमें कंडीशन पास करनी है कि सिर्फ वही कॉलम्स फेच करो जो जिसमें मार्क्स की वैल्यू या फिर आपका नेम जो है, सॉरी रोल नंबर जो है वो सपोज दैट स्मॉलर हो 2 से, ठीक है, तो वही सिर्फ फेच करो। इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हैं, एक मिनट, रोल नंबर के आपको कॉलम वाइज आपको दो तरह से रोल नंबर आप पास कर सकते हो, एक तरीका ये है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, ठीक है, ठीक, तो आपको वो मिल गया जो जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, एक तरीका ये मैंने बताया, और दूसरा तरीका हम जो यूजली पहले यूज कर रहे थे इस तरह का तरीका, ये दोनों आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे आप पास करके कर सकते हो, सपोज दैट हमारा नॉर्मल डी टी ले लेते हैं, ठीक है, जो हमने लोड किया था सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमने डी टी एक्चुअली चेंज कर दिया है, सबसे पहले वाला ले गए, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस था वो आ गया है, एंड नाउ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ नेम्स ए बी सी से इक्वल हैं उस रोज को फेच कर लो, ठीक है, डेटा में ही कर लेते हैं ताकि चेंज ना हो। तो आप कैसे करोगे, इसके अंदर आप कंडीशन पास करोगे, क्या कंडीशन पास करोगे डी टी में, ठीक है, आप ऐसे पास कर सकते हो नेम्स को, राइट, या फिर डॉट लगा के भी पास कर सकते हो, वहां पे str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, कंटेन्स लिखेंगे, जो कंटेन करेगा, ठीक है, आप पूरा नाम दे सकते हो या फिर हाफ नेम दे सकते हो, क्या करना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए, तो उस डेटा को फेच कर लो, ठीक है, सॉरी नेम है एक्चुअली, मिस्टेक, नेम है, ठीक है, ये करियर के साथ हम यहाँ फिरते हैं अगेन, ओके, सो एंटर कर लेते हैं, डेटा पास कर देते हैं, और आप देख सकते हो कि हमारे में सिर्फ एक ही रो आई जिसपे कंडीशन सेटिस्फाई। तो आपका पांडास यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट फायदेमंद तरीका यही है कि आप सिर्फ कंडीशन उसके अंदर पास करो, सिर्फ वही फेच कर देगा जहाँ वो कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। इसके अलावा आप देख चुके हो, आपने, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक एग्रीगेट नाम का फंक्शन होता है, बट अगर सपोज दैट
एग्रीगेट हमारा तब काम करता था जब हम सीरीज पढ़ रहे थे, पर डेटा फ्रेम्स में कैसे करेंगे, ठीक है, हालांकि उसको कन्वर्ट करें फिर सीरीज में फिर करें, विच इज़ पॉसिबल, बट ये काफ़ी लंबी है, क्यों ना हम एक तरीका और लगा सकते हैं। डिटेल ले लेते हैं, फिर से मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ। हम क्या कर सकते हैं कि हम सपोज दैट क्या करें, एक हमारे पास फंक्शन होता है, आपको नाम लिखना है, सपोज दैट मार्क्स ले लिया, डॉट एग्रीगेट नाम का फंक्शन ले लिया और उसमें हमने पास कर दिया जो जो हमें चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, अभी ये एज अ डी टी मार्क्स क्या है, एज अ सीरीज काम करेगा, तो एग्रीगेट फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो लगा सकते हैं आप, ठीक है, तो मैक्स लगा सकते हैं, बट कुछ बेनिफिट इसके अलग हैं, ठीक है, बेनिफिट क्या है इसका, क्योंकि हम ये डेटा फ्रेम पर लगा रहे हैं, इसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें सिर्फ मैक्स मीन या सम पास नहीं कर सकते या लेंथ, आप इसमें, ठीक है, काउंट भी पास कर सकते हो, ठीक है, या काउंट भी पास कर सकते हैं, ग्रुप बना देगा और आपका मीन भी पास कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, देख सकते हैं आप काउंट थ्री आए हैं क्योंकि तीन डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, थ्री, तो वो काउंट में आ गया है, मीन आपका, इनका मीन निकल गया मार्क्स का, मैक्स आ गया है, मीन आ गया है और सम आ गया है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हम ये सारे एग्रीगेट फंक्शन भी लगा सकते हैं। वैसे ढेर सारे फंक्शन होते हैं, आप यूनिक निकालना चाहते हो, सपोज दैट मैं मार्क्स, मैं सपोज दैट नेम है यहाँ पर, ड्यूरेशन, उसमें यूनिक डेटा सारे निकालना चाहते हैं, रिपीट हो रहे कई सारे कॉलम्स में, एक ही कई सारी रोज का डेटा रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ यूनिक चाहिए, सो सिंपल, डी टी डॉट आप उसका नाम लिखिए, सपोज दैट नेम डॉट यूनिक, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से क्या क्या हमने पास किया है, ठीक है, आपके पास यूनिक डेटा सेट आ गया। तो ऐसे आपके पास ग्रुप बाई होता है, ठीक, यूनिक होता है, एग्रीगेट होता है, वैल्यूज काउंट होता है, ये सारे फंक्शंस हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, बट इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, तो दैट्स इट, इसमें हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं ड्रॉप के बारे में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं, ठीक है, डी टी डॉट ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या है, किसी कॉलम को आपको ड्रॉप करना है, ठीक है, तो सपोज दैट आपको ड्रॉप करना है और आपको कई सारे ड्रॉप करने हैं, तो आप लिस्ट के फॉर्म में दीजिए, तो सपोज दैट मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है डी टी हमारा है जो ऊपर हमारा डेटा है ये आपका, ठीक है, ये वाला, तो मैं सपोज इसमें रोल नंबर हमें ड्रॉप करना है, तो हम यहाँ पर रोल नंबर पास कर देंगे, है ना, ओके, अब आपके पास ऑप्शन होता है कॉलम वाइज ड्रॉप करना है, रो वाइज ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप करना है या रो ड्रॉप करना है, तो वन पास करेंगे तो कॉलम ड्रॉप होगा, जीरो पास करेंगे तो रो वाइज ड्रॉप होगा, तो वैसा आपको यहाँ पे, हाँ, अगर आप रो वाइज पास ड्रॉप करोगे तो आप ये वाली वैल्यूज पास करोगे, ठीक है, और आप कॉलम वाइज ड्रॉप करोगे तो आपको ये वाली कॉलम के नेम पास करने होंगे, ठीक है, इसके बाद आप ऑप्शन होता है उसका रिफ्लेक्शन लेना चाहते हो या इन प्लेस चेंज करना चाहते हो, तो अगर इन प्लेस की वैल्यू आप ट्रू कर दोगे तो सेम उसमें चेंज हो जाएगा, हम फॉल्स करते हैं, हम नहीं चाहते आपके मेन उसमें चेंज हो जाए, तो आपका डी टी में आप देख सकते हो रोल नंबर ड्रॉप हो गया, ठीक, फिर से हमें लोड करना पड़ेगा, तो ऐसे आप ड्रॉप कर सकते हो, आप चाहो तो इन प्लेस की वैल्यू ट्रू करोगे तो सेम उसमें ड्रॉप हो जाएगा, और अगर नहीं कुछ भी फॉल्स दोगे तो आप या पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा, ओके, कट थिंक कट, ओके, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग, तो वंस अगेन हम फिर से क्लीन अप कर लिया हमने, क्योंकि हम नया थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इंडेक्सिंग में हम देखेंगे कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे इंडेक्सिंग फाइंड आउट करते हैं, दो तरीके होते हैं इंडेक्सिंग निकालने के, एक तरीका होता है लॉग का, एक होता है आई लॉग का, लॉग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप लेबल बेस्ड डेटा को निकाल सको, और आई लॉग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप कॉलम जो है आपका इंस्लाइसिस बेस्ड आप निकाल सको, ठीक है, सो कैसे करेंगे देखते हैं, डी टी डॉट सबसे पहले लॉग करेंगे, आपको सपोज दैट जीरो इंडेक्स पे चाहिए, आ गया, डी टी डॉट लॉग करेंगे, आपको फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए, ये जो आपके साइज में इंडेक्स हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, तो आपका आ गया, ओके, अब आपको सपोज दैट हमने यहाँ पे हमें इंडेक्स सेट करना है, ठीक है, इंडेक्स सेट इंडेक्स पर हम फंक्शन यूज करेंगे सेट इंडेक्स, और हम रोल नंबर को इंडेक्स बना देते हैं, ठीक है, तो रोल नंबर एंड यहाँ पे आप पास करोगे इन प्लेस इक्वल्स टू टू, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नया इंडेक्स बना रहे हो उसको हम फेच करेंगे, ठीक है, एज अ लेबल, ओके, तो ये लॉक जो है आपका लेबल बेस्ड होता है, ठीक है, तो डी टी डॉट
लॉक करेंगे सिंपल, और आपका एक बार प्रिंट कर लेते हैं रोल नंबर सारे, ठीक है। डीटी अगर दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका इंडेक्स निकालना चाहें तो वैसे इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, ये भी आपको पता चल जाएगा। नेम क्या है, ये पता चल जाएगा। तो डी टी डॉट लॉक करेंगे और आप रोल नंबर 1 की वैल्यू निकालते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। रोल नंबर 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, लेबल बेस्ड होता है। लेबल बेस्ड का मतलब क्या है, जो भी आपका इंडेक्स का लेबल्स होंगे उसके बिहाफ पे निकालेगा। दूसरा होता है आई लॉक। आई लॉक थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसको रीसेट कर लेते हैं, डी टी डॉट रीसेट इंडेक्स हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसको यूज़ करेंगे। इन प्लेस 2 कर लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, ठीक है। रीसेट कर लिया हमने, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे सामने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे इंडेक्स बेसिस पे है, ठीक है। तो आई लॉक इंडेक्स बेसिस पे होता है, तो 0th पास करेंगे मतलब 0th इंडेक्स, ठीक है। फिलहाल इंडेक्स और आपका जो अभी ये है ये सेम है, ठीक है। सपोज दैट इसका हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली जैसे सेट करते हैं इंडेक्स, वैसे सेट कर लेते हैं इंडेक्स, एंड देन देखते हैं कैसे काम करेगा, ठीक है। सो डी टी डॉट ये फिर से इसको कॉल कर लेते हैं, और आप देख सकते हो अभी भी ये पहला ही डेटा निकाल रहा है, इवन आफ्टर कि हमारा इंडेक्स जो है वो रोल नंबर है, ठीक है। तुमने 0 पास किया, ये स्लाइस बेसिस पे होता है। स्लाइस बेसिस मतलब इंडेक्स वाले जो हम बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग, रोज की नंबरिंग के हिसाब से। और आई लॉक लॉक कैसे काम करता है, आई लॉक ऐसे काम करता है कि आपका जो भी नंबर होगा इंडेक्स का, सपोज 0 मतलब पहला रो, 1 मतलब दूसरा, ठीक है। और लॉक कैसे करता है, जो भी आपके लेबल वैल्यूज होंगे उनके बिहाफ पे। तो अगर लेबल्स रोल नंबर है तो रोल नंबर वाइज पिक करेगा। अगर आप यही चीज़ आई लॉक में आपने 0 पिक किया तो ये आया पहला डेटा, है ना। लेकिन आई लॉक में अगर 1 करेंगे तो कौन सा डेटा आएगा, दूसरा डेटा आएगा। क्यों, क्योंकि वो इंडेक्स सेकेंड आइटम क्या है दूसरा, जिसका रोल नंबर 2 है वो आइटम आएगा। लेकिन अगर लॉक में आप 1 करोगे तो क्या आएगा, आपका पहला। क्यों, क्योंकि इसका इस बिहाफ पे निकालेगा, ठीक है। रोल नंबर के इंडेक्स के बिहाफ पे निकालेगा लॉक। आई लॉक कैसे निकालेगा, कौन से नंबर पे इंडेक्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हो कि कौन से कॉलम आपको लेने हैं। तो डी टी डॉट सपोज दैट आई लॉक ले लेते हैं, और आपको 0th इंडेक्स चाहिए, ठीक है। कॉमा करेंगे आपको सिर्फ तो आपको क्या मिला, ABC, यानी कि पहले इसका पहला, ओके। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि कैसे हैंडल करेंगे नैन वैल्यूज को, नल वैल्यूज को। तो डीटी ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको रीड करेंगे फिर से, हम अपने डेटा को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा रैंडम डेटा डालेंगे, सपोज दैट हमने डाल दिया, यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, ठीक है, रैंडम कुछ भी डाल दिया। यहाँ हमने सेट कर लिया नैन, यानी कि नल इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आपने 0 सेट कर लिया या एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं, क्योंकि कई बार डेटा आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे इम्परफेक्ट टाइप का डेटा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीड कर लेते हैं, जैसे पुराने तरीके से जैसे हम रीड करते आए हैं, डी टी प्रिंट करते हैं। तो आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ डेटा नहीं था वहाँ वहाँ नैन हो गया, जहाँ पे नैन था वहाँ तो नैन आया, नैन मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। और जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था वहाँ पे भी नैन आया। 0 नल ऐसा कुछ नहीं है, नैन नैन मतलब नॉट अ नंबर, कुछ भी नहीं है। 0 मतलब एक वैल्यू हुई ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। अगर इसका डेटा टाइप चेक करो, ठीक है, तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पाओगे, क्योंकि आपने नैन है, सॉरी डी टाइप्स है, ठीक है। तो डी टाइप्स यहाँ पे डालेंगे, तो आपका देखिए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट फ्लोट और ऑब्जेक्ट। तो चूंकि आपका रोल नंबर क्या है, 1, 2, 3, फिर भी नैन क्यों आया, जबकि ये क्या है, INT वैल्यूज है। नैन कब आता है, ऑब्जेक्ट कब आता है डेटा टाइप, जब आपका कोई एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो या फिर कुछ और हो। तो दैट्स वाई आया, क्योंकि यहाँ पे आपका नैन आपने बाय डिफॉल्ट डाला था, ठीक है। क्या होगा अगर आप यहाँ पे नल डालो, ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आउटपुट हमारा, ठीक। तो आपका यहाँ पे नल डाला था, तो नल एक वैल्यू है, नल वैल्यू रीड हुई, ठीक है। तो चेक करते हैं किसी कॉलम में, चेक कैसे करेंगे कि कोई उसमें नल वैल्यू है या नहीं, एम्प्टी वैल्यू है या नहीं। सिंपल है, उसमें हम वो जैसे हम किस में चेक करना है, मार्क्स में चेक करना है, इज नल,
अच्छा, नैन और नल में बहुत अंतर होता है, ठीक है, देखेंगे। तो पूरा बता दिया मार्क्स में, 0 पे फॉल्स आया, 1 पे फॉल्स आया, 2 पे फॉल्स आया, फिर 4 पे ट्रू आया, ठीक है, ओके ओके, फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। यहाँ पे नल है ना, इसलिए ट्रू आया है, वहाँ पे नल है, ठीक है। डीसी में शायद डायरेक्टली पास कर सकते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा तरीका है, तो कैसे हम करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे कुछ नल ड्रॉप करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ड्रॉप एन ए, ठीक है। वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ नल होगा वो ड्रॉप कर देगा, ठीक। तो क्या पहले ऑप्शन देता है आपके पास हाउ, ठीक है, पहला होता है हाउ, तो आप हाउ पास करना चाहते हैं, कैसे, दो ऑप्शन होते हैं ऑल और एनी। एनी मतलब अगर एक भी आ गया तो हटा देगा, ऑल मतलब जब सारे होंगे तब हटेगा वो, ठीक है। तो पहले एनी पास कर देते हैं। टाइप क्या रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप कॉलम वाइज सर्च करें या रो वाइज सर्च करें, तो आपको एक्सेस पास करनी होगी, जीरो पास करेंगे रो के लिए, कॉलम के वाइज सर्च करने के लिए आपको वन पास करना है, ठीक है। तो आपका हटाया एक भी नहीं हटाया, क्यों, ठीक है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 उसने डाल दिया ये वैल्यूज, आपकी जो ये वैल्यू थी लास्ट वैल्यू हटा दी थी, क्योंकि इसने रो वाइज चेक किया, अगर एक भी नल आ गया तो वो हटा देगा। अच्छा, इसको कॉलम वाइज करके देखते हैं, उस कॉलम को हटा देगा पूरा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम है, रोल नंबर पर मार्क्स नहीं, नल इधर ये कंसीडर किया जा रहा है एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला थे बहुत गलत थे, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन ये नैन आपको एज अ एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में डिफरेंस है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक आ गया, इसने क्या किया, हटा दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इन प्लेस करेंगे तब ट्रू है, आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, समझ में ना। ये नल ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग ले रहा है इसको, ओके करेक्ट है, एवरीथिंग इज राइट आई थिंक। तो हमने देख लिया ड्रॉप एन ए और ड्रॉप एन ए का एज अ रो वाइज सर्च करना, एज अ कॉलम वाइज सर्च करना। रो वाइज सर्च करना मतलब ऐसे सर्च किया और इसने पाया कि जो ये कॉलम कॉलम है आपका, इसमें यहाँ पे नन है, नल है, इसको ड्रॉप कर दिया पूरा 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 रो। जब कॉलम वाइज सर्च किया तो इसको पाया, इसमें मार्क्स वाले में पाया कि ये नल है, तो इसको भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ऑल में क्या होता है, ऑल में क्या, एनी में केस में एक भी आएगा तो वो हटा देगा, ऑल में क्या होगा, सारे होंगे तभी हटाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आप पूरा पूरा कॉलम ही एम्प्टी हो, नल हो, खाली हो, ठीक है, ओके। ऐसे होता है फिल एन ए का ऑप्शन, मान लीजिए एन ए में आप कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं, जहाँ एन ए है वहाँ पे आप कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू डालना चाहेंगे, सपोज दैट जहाँ नैन है, क्योंकि एम्प्टी है, नल तो हमारा एम्प्टी नहीं है, स्ट्रिंग है ना, बता चुका हूँ। नैन में हम सपोज डालना चाहते हैं देर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू, सपोज एज अ स्ट्रिंग में नो वैल्यू पास करना चाहते हैं, या 9999 पास करना चाहते हैं इन दैट केस, ठीक है। ये चीज़ आपका इन प्लेस ऑप्शन होता है, फ्रेम में चेंज करना चाहते हैं नहीं तो आपको पता ही है। सो डी टी प्रिंट करते हैं और आप देख सकते हो कि जहाँ पे नैन था वहाँ पे नो वैल्यू थी। तो इस तरह पांडास में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं, मैक्सिमम कवर किया हमने, कवर किया उसका बेसिक सीखा, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो में मैं एग्जॉस्ट हो गया कम्प्लीटली, एनर्जी मेरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। राइट करना सीखा, फेच आउट करना सीखा, इंडेक्सिंग सीखी, और हमने सीखा कि कैसे डील करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉप करेंगे नन वैल्यूज़ को जहाँ पे आए उसके रोज या कॉलम्स को, बहुत सारी होने पे ड्रॉप कर देते हैं कई बार, अगर आपका डेटा बहुत सारा है दैट केस मशीन लर्निंग में, और अगर आपका कम है तो आप उसको रखते, ठीक। तो आप उसको फिल कर सकते हो किसी और वैल्यू से, इंटीजर है तो आप 999 फिल कर दो, मान लो कि यार ये वैल्यू कभी रीच नहीं होती, ठीक है। या फिर कई बार उसको करने के तरीके होते हैं जो कि मशीन लर्निंग में आप सीखते हो, ठीक है। बस लास्ट है, मैं आपको बता दूं, फिर मैं ये वीडियो ओवर करता हूं, और वो है इन्फो के बारे में। तो इन्फो बेसिकली आपको पूरा डेटा फ्रेम का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, किस फॉर्म में कितने नल हैं, कौन कौन नल है, तो नेम है ये आपका कॉलम, मार्क्स है कॉलम, और रोल नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू भर दी है तो अब ये नॉन नल नहीं रहा, ठीक है। अब आप ड्रॉप करोगे तो आपका ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो सारे नॉन नल है, कोई भी नल वैल्यूज नहीं, आप ऐसे जान सकते हो। टाइप उसका देख सकते हो, सबका टाइप ऑब्जेक्ट है, ये इसका टाइप ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज़ किया है, नल स्ट्रिंग आया था, इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि नो वैल्यू स्ट्रिंग है, इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रिंग है। कितने टाइप है, क्या मेमोरी साइज है, इसका, ठीक है। इसको और डीप इन जाना चाहते हो तो और भी, इसको और डीप इन जाने के लिए इसमें बस एक वैल्यू पास करनी होती है, वो होता है आपका मेमोरी यूजेस, ठीक है, मेमोरी यूजेज इक्वल्स टू टी, ठीक है।
तो ये इस तरह आपको सारा बता देगा। तो इस तरह हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तो ये पांडास का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था कि सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी और हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, ठीक है, सब कुछ पढ़ा। सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं तो आप क्या करो, pandas.org पे, पांडास की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पांडास ऑर्गेनाइज, पांडास आप सर्च करोगे तो पाई पाई की भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये pandas.pydata पे आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे ढेर सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे और सारे फंक्शंस आप एक एक करके पढ़ सकते हो। यहाँ बुक का भी रिकमेंडेशन है, यहाँ पे जुपिटर लैब से किया गया, यानी कि जुपिटर नोटबुक से ट्राई किया उन्होंने, बेटर माना जाता है, पर मुझे आइडियली पसंद है क्योंकि शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये बुक आपको रिकमेंड की जाती है, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, बहुत ही अच्छी किताब है, NumPy, पांडास और तीनों चीज़ें कवर करती है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, होपफुली आपको पसंद आया हो, एंड आई एम जस्ट एक्सॉस्टेड, डन विद दैट, थैंक्स फॉर बींग विद मी, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे, और अगर आपको NumPy का वीडियो चाहिए ना तो इस पर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और लोगों को बताओ। थैंक्स फॉर द वीडियो, बाय बाय।